तो भाइयों, आज हम जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को मेरा जय श्री श्याम, सबको जय श्री श्याम। तो जो जो भाई हमारी लाइव वीडियोस देखता है, तो आज हमारा एक टॉपिक है जो आजकल देखने बहुत चल रहा है, अग्निपथ योजना के लेके, जो मोदी जी ने और जो हमारी सेनाओं ने अग्निपथ योजना निकाली है। वो योजना इतनी अच्छी है कि आप लोगों को एक बार फौज में जाने का मौका तो मिल रहा है, नहीं तो हमारे भारत देश में जब बच्चा पैदा होता है, वो सातवीं आठवीं क्लास में आता है, तो उससे पूछा जाता है आप क्या बनोगे बड़े होके, तो वो सीधा यही बोलता है मैं बड़े होके फौजी बनूँगा। तो हमारा बचपन से एक सपना होता है कि हम बड़े होके फौजी बनेंगे, फौज में जाएंगे। कहाँ जाओगे? फौज में जाएंगे। तो मोदी जी ने और हमारी सरकार ने इतना अच्छा मौका दिया है हमें कि हम अपने सपने को कम से कम एक बार साकार तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टाइम था जब कि हम नहीं कर पाए, उसमें हमने कोशिश करी बट नहीं हो पाए। लेकिन आज ये मौका मिला है कि हम अपनी सेवा देश को दे सकते हैं, एक बार चाहे 4 साल के लिए हो, लेकिन हम दे सकते हैं। तो यो योजना इतनी अच्छी है कि आप सबको ये जो रोड पे ये जो हंगामा मचा रहे हैं और जो ये रेल जला रहे हैं, तो इनको इस योजना से मतलब नहीं है। ये देश के लिए रक्षा क्या करेंगे जब यही देश के भक्षक हैं? तो इन जैसों को तो वैसे भी नहीं फौज में जाने की सोचनी चाहिए, ये कैसे उम्मीद करते हैं कि ये फौज में जाएंगे? तो फौज में इनके लिए नहीं बनी है फौज, जो देश की रक्षा करता है वो फौज को कुछ दे सकता है। हमारा भी सपना था कि हम फौज में जाएं। हम तो मोदी जी से बोलेंगे कि अगर हमें भी मौका मिले, 30 से 35 साल की उम्र वालों को भी एक बार मौका मिले, चाहे 1 साल के लिए ही मिले, लेकिन उनको भी एक बार मौका मिले, तो हम तो जाने को तैयार हैं। हमारा सपना साकार हो जाएगा कि हम भी फौज में गए थे। पैसा क्या है? पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन हमें देश की सेवा करने का मौका एक बार तो मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो भाई ये उपद्रव मचा रहे हैं देश के अंदर, वो ये देखें कि उनका सपना साकार हो रहा है कि फौज में जाने का। जैसे हम भारतीयों का हमेशा से जो बचपन से हमारा सपना होता है कि हम एक बार फौज में जाएंगे, तो फौज में जाने का सपना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हम थोड़ा अपना बलिदान दे सकें, हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो मेरा मोटिव यही है कि मोदी जी ने जैसे नौजवानों को भी थोड़ा मौका दिया है 4 साल के लिए, तो जिन लोगों का सपना उस वक्त पूरा नहीं हो पाया था कि वो फौज में नहीं जा पाए, तो हम तो ये चाहते हैं इस योजना के थ्रू वो 30 से 35 साल के लिए वालों के लिए 1 या 2 साल का मौका दे, उनको भी सेवा देने का, कि हम अपने देश के लिए थोड़ी सेवा दे पाएँ। तो हम इस योजना के लिए इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि देश में ये माहौल बिगाड़ा, भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस योजना से भर्तियाँ कम हो जाएगी। अरे हम बोलते हैं भर्तियाँ कैसे कम हो जाएंगी, जो उसमें भी 25% लोगों को, मतलब 25% लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उनको भी देश का सेवा और करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम जैसों को, जैसे कुछ अग्निवीर जो बचेंगे, उनको 4 साल या जो भी है, उनके मौका तो मिल रहा है देश की सेवा देने का, तो हमें भी एक मौका दें 30 से 35 साल वालों को, हम तो तैयार हैं। चाहे वो कितने पैसे दें उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए है। लेकिन जो जो मेरी बात से ताल्लुक सकता है, अगर उनको, उनके लिए भी जिन भाइयों का सपना पूरा नहीं हो पाया था कि वो एक बार फौज में जाएं, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी होगी शायद से, जैसे हमारी भी निकल चुकी है, तो हमारा तो भाई सपना था कि हम अपने देश को एक बार, हम अपने देश की फौज में भर्ती हों। हम तो चाहते हैं ये योजना सब लोगों के लिए लागू हो, जो देशवासी है वो एक बार फौज में ज़रूर अपना योगदान देगा, इस योजना को और अच्छे तरीके से और बड़े स्केल पर करा जाए। क्योंकि ये योजना के लिए जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है वो बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि इस योजना में 30 से 35 साल के लोगों को भी मौका मिले कि वो अपने सपने को साकार कर सकें, जो वो उस वक्त नहीं कर पाए थे, जिनकी अब एज निकल गई है फौज में जाने की। तो हमारा यही मोटिव है कि लोगों को इस योजना से जुड़ना चाहिए, इतना अच्छा अवसर मिला है उन्हें भारत को एक सेवा प्रदान करने का, अपनी मातृभूमि को सेवा प्रदान करने का, तो हमारे को सेवा देनी है। आप सेवा में पैसों का और उसका, इन सब चीज़ों का लालच, वो तो परिवार चलाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, सब करते हैं, लेकिन जो भारत माता के लिए हमें एक मौका मिला है कि हम उनके लिए कुछ कर सके,
तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपना जो ये लोग पत्थर उठा के और ये सड़कें रेल जला के सड़कों पे उपद्रव मचा के वो भारत माता की रक्षा करने के लायक नहीं है। जो भारत माता की वो रक्षा करेंगे वो तो इसी के भक्षक बन चुके हैं। जो ये उठा रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स कम हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो विपक्ष पार्टियाँ हैं। आप उनसे दूर रहें, वो आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। वो आपके मन में भारत माता की रक्षा के लिए उनका कोई मोटिव नहीं, उनको अपनी पार्टियों को चमकाना है। हम तो अपनी सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ नहीं, हमारी सेना ने जो आदेश किया हम तो उसके साथ हैं। हमारी सेना ने जो गुजारिश की हम सब लोगों से कि हमसे जुड़े और 23 साल तक के नौजवानों को मौका मिलेगा, तो इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता। वो इस मुहिम को जो उन्होंने सेना ने अग्निपथ योजना चलाई है उसका साथ दें, समर्थन करें, समर्थन करें। और जो ये रोड पे उपद्रव मचा रहे हैं उनको मार के खुद ही भगा दें, उपद्रव ख़त्म इनका, क्योंकि ये योजना को खतरे में डाल रहे हैं। ये योजना इतनी अच्छी है कि हम तो चाहते हैं कि 30 से 35 साल के लोगों को भी मौका मिलेगा तो हमारा भी सपना साकार हो जाएगा कि हम भी एक बार फौज में गए, चाहे 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए अपना सेवा देने का मौका मिले। और जैसे भाइयों हमारा जो डेली का रूटीन है गो ग्रीन सेव रोड साइड प्लांट, जो हमारा ये इवेंट चलते रहते हैं जिसमें हम हमारा जो पेज है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो आज भी हमारी बोतल तैयार है, तो हम अपना जो हमने भी अपने देश की सेवा देने का मौका इस तरीके से निकाला है कि हम रोड साइड प्लांट्स को, पेड़ को पानी दे पाएँ। तो हम तो अपना ये रूटीन डेली कर रहे हैं जो हमारा है, तो आप हम इस तरीके से अपनी सेवा दे पा रहे हैं, तो हम इस तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़े, हमें भी देश का अगर सेवा करने का मौका मिलता तो हम कभी सेवा करने के मौके को नहीं छोड़ते। तो हमारा मोटिव यही है कि आपको मौका मिला है तो आप इसका ज़रूर अवसर जो आपको मिला है उसका मौके का फ़ायदा उठाएं और इस योजना का समर्थन करें। तो जो भाई मेरी बातों से बिल्कुल सहमत है कि जिसका सपना था जब वो नौजवान था और 30 से पार उम्र नहीं थी उसकी और वो नहीं हो पाया था भर्ती, तो वो हमें समर्थन करें कि हमें भी 2 साल के लिए मौका मिल जाए तो हम भी अपनी फौज में अपनी भारत माता के लिए थोड़ी सेवा प्रदान कर सके। तो जो लोग मेरी इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं, सहमत है जो मेरी इस बातों से, वो हमारी वीडियोस को पूरे भारत में शेयर करें और हमारी इस अग्निपथ योजना को समर्थन करें। और जो हमारा गो ग्रीन सेव रोड साइड प्लांट है वो लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं और हमारी इस योजना जो एक बोतल डेली पानी अपने रोड साइड प्लांट्स को, पौधों को, ट्री को देना है जो हमें, हम अपनी इस मुहिम को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो आप इस चीज़ का भी समर्थन करिए और लोगों तक पहुँचाइए कि हम अपने देश की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश को सर्वोपरि रखा जाए और कुछ नहीं, हमारे लिए देश और राष्ट्र सर्वोपरि है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसकी सेवा में हर एक अच्छे काम का समर्थन करेंगे। तो आप भी हमारा समर्थन करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, लोगों तक पहुंचाइए इस मुहिम को। एक बोतल पानी आप डेली अपने ऑफिस बैग में या आप जहां भी जा रहे हो एक लेके निकलिए और डेली जो आपके रोड साइड प्लांट करते हैं उनको आप पानी दीजिए, तो इससे कि उन पेड़ों की हेल्प होगी और वो जल्दी से ट्री बनेंगे। और इस वक्त तो बारिश का मौसम है, आप सब ट्री लगाइए, जितने भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं लगाइए, वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो आप भी अपनी वीडियोज और पेज पे आप शेयर कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज शेयर कर सकते हैं और हमारी इन बातों से जो जो सहमत है वो अपना कमेंट में हमें बताएं। सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम आप वीडियो को समापन करते हैं, तो हमें जो जो फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है, वो हमसे जुड़े रहें, हम आगे भी नई नई वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका।